गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग इस चैप्टर के सेकेंड वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इनकम डिटरमिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ये चैप्टर था। इस चैप्टर के जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को फाइंड आउट करने के लिए टू अप्रोचेस को पढ़ा था। पहला अप्रोच था ADES अप्रोच और दूसरा था S=I अप्रोच, यानी कि एक था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच था, तो दूसरा सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच था। तो पिछले वीडियो लेक्चर में ADES अप्रोच को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, SI अप्रोच को। तो SI अप्रोच हम लोग स्टार्ट करते हैं कि SI अप्रोच के द्वारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड एट द लेवल वेयर प्लांड सेविंग इज इक्वल टू प्लांड इन्वेस्टमेंट। प्लांड सेविंग को एक्सेंटे सेविंग भी कहते हैं और एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये प्लांड सेविंग और प्लांड इन्वेस्टमेंट के जब इक्वल होता है तो इसी को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बाई SI अप्रोच। SI अप्रोच के द्वारा इस इक्विलिब्रियम होता है। फिर इसके बाद इसके फोर एजम्पशंस होते हैं जब इसको हम लोग करते हैं। तो पहला, इसका सबसे पहला एजम्पशंस क्या होता है, इट ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टू सेक्टर इकोनॉमी आर क्लोज्ड इकोनॉमी। इसको हमेशा किसमें कैलकुलेट किया जाता है, टू सेक्टर इकोनॉमी या क्लोज्ड इकोनॉमी में इसको किया जाता है। दूसरा इसका ये जो अप्रोच है, दूसरा इसका पार्ट है, उसको हम लोग किसमें किस उसमें करते हैं, टू सेक्टर के साथ साथ इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, हमने बताया ना SI अप्रोच, तो आई जो वर्ड है वो इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज ऑटोनॉमस, इट्स मीन व्हेन इनकम इंक्रीजेज इट नेवर चेंज। इनकम चेंज होगी लेकिन ये चेंज नहीं होता। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को लेकर के हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के साथ में इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि इसके साथ साथ और इसमें क्या चीज रहती है कि नेवर चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल पे कभी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। लास्ट इसका रहता है कि प्राइस लेवल में तो चेंज नहीं आया, उसके साथ साथ लास्ट एक एजम्पशन होता है कि इट ऑलवेज एस्टिमेटेड आर डिटरमाइंड इन अ शॉर्ट रन पीरियड, हमेशा इसको शॉर्ट रन पीरियड में ही डिटरमाइन किया जाता है। तो ये डिफिनीशन हो गई इसका। उसके बाद एजम्पशंस हो गया, एजम्पशंस के बाद सी और आई को तो हम पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं। इसके बाद हम इसका शेड्यूल बनाते हैं। शेड्यूल बनाने में फिर से वही बात, वाई रहता है, सी रहता है, सी के बाद क्या रहता है, यस रहता है, यस के बाद आई रहता है, और यहाँ पर AD और AS की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। उसके बदले हम रिमार्क एक टर्म यूज कर लेते हैं जिसको रिमार्क्स टर्म के साथ में, इसको करके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से इसका डिस्क्राइब किया जाएगा। तो इसको जब हम लोग इस टर्म में इसको देखते हैं तो इनकम को उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उसी तरह से आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले जीरो इनकम थी, फिर 100 हुई, और जिस रेशियो में हमने इसको इंक्रीज किया उसी रेशियो में ही ये लगातार इंक्रीज होगी। इस तरह से ये लगातार इंक्रीज होगी और इसी तरह से लगातार बढ़ती रहेगी। कंजम्पशंस है वो भी, पहले मैंने जब जीरो इनकम है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशंस है, मैंने 40 ले लिया, फिर हम देखेंगे इनकम 100 इंक्रीज हुई तो कंजम्पशंस भी इंक्रीज होगा। बस इतनी शर्त रहेगी इसमें कि ये इनकम से कम इंक्रीज होगा। तो यहाँ 100 इंक्रीज कर रहे हैं हर बार, तो इसमें 80 इंक्रीज करेंगे तो 120 हो गया, फिर 80 इंक्रीज किया तो 200 हो गया, फिर 80 इंक्रीज किया 280 हो गया, फिर 360 हो गया, 440 हो गया, फिर 520 हो गया। इस तरह से ये लगातार क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। सेविंग आपको सबको पता है कि इससे इसको माइनस करेंगे तो -40 आ गया। वो फार्मूला आप सबको पता होगा कि वाई हमेशा किसके बराबर होता है, सी प्लस यस के। तो सेविंग किसके बराबर होगी, वाई माइनस सी।
तो वाई से सी को माइनस कर रहे हैं, तो 100 से 120 को माइनस किया तो माइनस 20 आ गया, 200 से 200 को माइनस किया जीरो आ गया, 300 से 280 को माइनस किया 20 आ गया, 400 360 माइनस किया तो 40 आ गया, 500 इसको माइनस किया 60 आ गया, इसको माइनस किया 80 आ गया। इस तरह से इसको हम लगातार माइनस करते जाएंगे और ये इस तरह से हमारे सामने आता जाएगा। आई हमने पहले ही बताया था कि एक सिचुएशन होती है जब 200 मतलब वाई किसके बराबर है, सी के बराबर है, उसके बाद के जो डिफरेंसेस हैं उनमें से किसी एक को लेना होता है। तो इसके इसके बीच में 20 के डिफरेंस है तो या तो 20 ले लें, इसके इसके बीच में 40 का तो ये 40 ले सकते हैं, इसके बीच में 60 का तो 60 ले सकते हैं, तो हम 40 ले लेते हैं, तो 40 हो गया। और ये जो है ये ऑटो नामस इन्वेस्टमेंट के बराबर है। तो ऑटो आई ऑटो नामस इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इट्स मीन व्हेन इनकम इंक्रीजेस नो चेंज इन ऑटो नामस इन्वेस्टमेंट। तो इसीलिए हम लगातार 40 40 40 ही इसमें लिखते चले जाएंगे। तो ये हमारे सामने इन्वेस्टमेंट आ गया। इसके बाद अब यहां देख लेते हैं कि हम अप्रोच पढ़ रहे हैं यस इक्वल टू आई, मतलब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर क्या है, सेविंग क्या है लेस देन इन्वेस्टमेंट, इस सिचुएशन में क्या है सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, यही है ना। सेविंग हमेशा किससे बराबर कम है, इन्वेस्टमेंट से। इस सिचुएशन में भी सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, इस सिचुएशन में भी सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, यहां क्या है सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यहां क्या है सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट, यहां फिर सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो हमें चाहिए क्या था, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में इकोनॉमी किस पोजीशन में है, यस इक्वल टू आई, ये सेविंग किसके बराबर है इन्वेस्टमेंट के बराबर है, तो ये इट इज अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन के नाम से जानते हैं। इसको जब इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि इसके ऊपर इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, कौन सी सेविंग, प्लांट सेविंग इज लेस देन प्लांट इन्वेस्टमेंट, यहां पर क्या प्लांट सेविंग इज इक्वल टू प्लांट इन्वेस्टमेंट, उसके नीचे फिर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, बिकॉज क्या हो गया कि प्लांट सेविंग इज ग्रेटर देन प्लांट इन्वेस्टमेंट। तो यही एक सिचुएशन है जहां इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम यहां पर इकोनॉमी में एस्टेब्लिश होता है। तो जब ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को हम जब इसमें देख लेते हैं, तो हम इसके क्या बना के देखते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम में एक तो डायग्राम जो पिछले वीडियो लेक्चर का है, जब ADAS अप्रोच को पढ़े थे, तो वहां डायग्राम हम कैसे बनाए थे, पहले एक मैंने ओरिजिन पॉइंट मतलब ओ से स्टार्ट होने वाली लाइन बनाई थी, जिसको इनकम लाइन बोलते थे या AS लाइन बोलते थे, और ये 45 डिग्री की होती थी। दूसरी हमने इसमें लाइन बनाई थी, उसको बोलते थे AD लाइन, जो कहां से स्टार्ट हो रही थी, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रही थी। उसका रीजन था कि जब जीरो लेवल की इनकम थी, उस समय भी कंजम्पशन भी था और इन्वेस्टमेंट भी था, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मतलब सी प्लस आई ही क्या होता है AD के बराबर होता है, इसलिए ऊपर से इसको स्टार्ट होगा। अब हम लोग SI अप्रोच उसी के इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया, यहां पर क्या होता है कि जब शुरू का पार्ट है, शुरू के कुछ हिस्से तक कैसा है, ये निगेटिव है, और फिर यहां पर इक्वल हुई है। तो सबसे पहले हम लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि SI अप्रोच बढ़ रहा है या इसको आई बोलते हैं, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये किसके एक्सिस के पैरेलल होता है, एक्स के बराबर होता है। अब यहां से हम लोग, क्योंकि हम SI को पढ़ रहे हैं, तो SI लाइन जब भी हम लोग सेविंग लाइन बनाएंगे, वो लाइन इस तरह से बनेगी, इस तरह से इसलिए बनेगी कि जिस सेम सिचुएशन में AD ने AS को काटा था, मतलब ये पॉइंट क्या था, E पॉइंट था, जब AD ने AS को काटा तो कौन सा पॉइंट उसमें क्रिएट हुआ था, E पॉइंट क्रिएट हुआ था, उसी सेम सिचुएशन में यहां पर भी पॉइंट E था, और ये पॉइंट E किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यस इक्वल टू आई को,
अब ये पॉइंट ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ए डी इक्वल टू ए एस को। जिस समय ए डी इक्वल टू ए एस होता है उसी समय एस इक्वल टू आई होता है, तो ये इस पोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां एस हमेशा किसके बराबर था, आई के बराबर था। तो अब ये वो पॉइंट है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट में इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया, व्हेन एस इक्वल टू आई है। अब इसको डिस्क्राइब करना चाहे तो डिस्क्राइब हम लोग इसको जब भी करेंगे तो डिस्क्राइब करने में सबसे पहले एक एक चीज को हम ले लेंगे कि इन दिस डायग्राम पॉइंट ई रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में किसको रिप्रेजेंट कर रहा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा। फिर इसमें होता है कि इन पॉइंट ई एक्स एंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे का मतलब डिजायर्ड होता है, प्लान्ड होता है। तो एक्स एंटे सेविंग किसके बराबर है, एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट के बराबर है। फिर इसमें कहेंगे कि ओ वाई जो लाइन है इट रिप्रेजेंट द एएस, मतलब नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जो ए लाइन है, आई लाइन है, इट ऑलवेज पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस। ये हमेशा किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम में कितनी है, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, मतलब 40 करोड़ सेविंग है तो 40 करोड़ क्या है, इन्वेस्टमेंट है। तो ये स्टेप हो गया। तो फर्स्ट स्टेप क्या देखे थे, डिफिनीशन। सेकेंड स्टेप में एजम्पशंस। थर्ड स्टेप में शेड्यूल। फोर्थ स्टेप में डायग्राम। अब फिफ्थ इसका लास्ट में इसका हम लोग डिस्क्रिप्शंस करते हैं, क्योंकि इस डायग्राम को अगर ध्यान से आप देखो तो यानी कि इस डायग्राम में इतना हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पूरा पार्ट कि सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो इस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर दूसरा जो इसके बाद वाला हिस्सा है, इस वाले पार्ट को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। जब सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग इज ग्रेटर देन, क्योंकि इक्वल टू वाला पॉइंट क्या डिस्क्राइब करता है, इक्विलिब्रियम सिचुएशन को, तो वो तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके। अब है लेस देन है तो क्या सिचुएशन होती है, और ग्रेटर देन होते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, तो देखेंगे व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग किससे ज्यादा हो, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो, तो सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट कहाँ है, ये वाला हिस्सा है। इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। तो इस हिस्से में क्या होगा, इफ प्लान्ड सेविंग इज मोर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल के रूप में आफ्टर पॉइंट ई, तो पॉइंट ई, ये पॉइंट ई था, इस पॉइंट ई के इस तरफ वाले हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, इट्स मीन द हाउस होल्ड आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म एक्सपेक्टेड देम टू। जो फर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना खर्च करेंगे, इतना कंजम्पशन करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट द इन्वेंट्री राइजेज अबव द डिजायर्ड लेवल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री बच जाएगी, चेंज इन स्टॉक बढ़ जाएगा, कंपनियों के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके आगे अगर इसको रिजल्ट को देखोगे तो जब उनके पास ज़्यादा हो जाएगा तो वो कॉस्ट उसकी रिड्यूस करेंगे और कम दाम पे उनको मार्केट में सेल करना पड़ेगा, जो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, तो सबको याद होगा ये वाली पोजीशन है, यहाँ क्या है, सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है। इसके कारण क्या सिचुएशन आएगी, इफ प्लान्ड सेविंग इज लेस देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज बिफोर पॉइंट ई, इट्स मीन द हाउस होल्ड आर कंज्यूम मोर एंड सेविंग लेस देन व्हाट द फर्म एक्सपेक्टेड देम टू। जो फर्म एक्सपेक्ट कर रहा उससे क्या हो रहा, ज्यादा कंजम्पशन हो रहा मार्केट में, जो क्या हो रहा, कंजम्पशन ज्यादा हो रहा। इसके कारण क्या हो जाएगा, एज द रिजल्ट द प्लान्ड इन्वेंट्रीज वुड फॉल बिलो, तो इसके कारण जो चेंज इन स्टॉक था, जो अवेलेबल स्टॉक था इकोनॉमी में, वो कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा है, तो प्राइस लेवल मार्केट का अपने आप क्या हो जाता है, इंक्रीज होना स्टार्ट कर देता है।
तो ये एसआई अप्रोच है। इसी एसआई अप्रोच में हम लोग जब इसको देखेंगे इक्विलिब्रियम लेवल को, तो वहां पर हमें एक बार फिर एक दो तीन चीजें इसकी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग यहीं पर कवर करते हैं, और वो डिस्कशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट, टर्म क्या होता है फुल फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वही सिचुएशन होती है जो एएस और एडी की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब व्हेन एएस लाइन कट द एडी लाइन, एएस लाइन जब एडी लाइन को करती है तो इसके पीछे इसके आगे, मतलब बिफोर द इक्विलिब्रियम आफ्टर द इक्विलिब्रियम, तीन सिचुएशन हमारे पास क्रिएट होती हैं, जिस सिचुएशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, यहाँ मैं उस सिचुएशन को केवल डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये पोजीशन होगी जिसको हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन कहते हैं, क्या बोलेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये सिचुएशन रिप्रेजेंट करती है फुल एम्प्लॉयमेंट को। उसके ऊपर की जो सिचुएशन होती है, ऊपर की मतलब कि सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है, तो ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को किसको रिप्रेजेंट करेगी, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को। इसके नीचे की जो सिचुएशन होती है वो सिचुएशन किसको अगर अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। तो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस दैट सिचुएशन इज नोन एज द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अब एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हम लोगों ने इन दोनों वीडियो लेक्चर में, जो पिछला वीडियो लेक्चर था और जो आज का वीडियो लेक्चर था, उसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जब पिछला वीडियो लेक्चर था तो उसमें हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और देखा था कि ये कीन्सियंस कॉन्सेप्ट है कि जब एडी इक्वल टू एएस होता है तो ये इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था, वहीं पढ़ा था कि इसको हम लोग मेजर टू अप्रोच से करते हैं, एक एडीएस अप्रोच और दूसरा एस आई अप्रोच से, इन दो अप्रोच से इसको मेजर किया जाता है, इन दो अप्रोच से इसको डिस्क्राइब किया जाता है। फिर हम लोगों ने एडीएस अप्रोच पढ़ा, तो एडी की डिफिनेशन पढ़ी, एएस की डिफिनेशन पढ़ी, एडीएस के दोनों कंपोनेंट पढ़े, सी प्लस आई और सी प्लस एस को। फिर उसके बाद हम लोगों ने एजम्पशंस पढ़े, फिर उसका शेड्यूल बनाया, डायग्राम बनाया और उसके एक्सप्लेनेशन पढ़े कि एडी इज ग्रेटर देन एएस, एडी इज लेस देन एएस। फिर एसआई अप्रोच आज पढ़ा, एसआई अप्रोच में हम लोगों ने फिर एसआई अप्रोच में इक्विलिब्रियम लेवल की डिफिनेशन पढ़ी, एस के बारे में जाना, आई के बारे में जाना। फिर उसके बाद हम लोगों ने एजम्पशंस पढ़े फोर, जो एडीएस में पढ़े थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने उसके बाद शेड्यूल बनाया, डायग्राम बनाया और डायग्राम के बाद दो एक्सप्लेनेशन कि व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट और व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों अप्रोच थे जिसको एडीएस एंड एसआई अप्रोच कहते हैं। ओके, थैंक यू।